सतगुरु देव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भारत जिसे त्योहारों की धरती कहा जाता है, यहाँ हर पर्व अपनी अनोखी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं त्योहारों में एक महत्वपूर्ण पर्व है दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व न केवल नवरात्रि के 9 दिवसीय अनुष्ठान का समापन है, बल्कि अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में दशहरे को विभिन्न अंदाज में मनाया जाता है। उत्तर में जहां रामलीला के मंचन के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन होता है, वहीं बंगाल में मां दुर्गा की विदाई महालया के रूप में होती है। हर स्थान की अपनी सांस्कृतिक धरोहरें और परंपराएं हैं, जो इस पर्व को एक अलग रंग और उमंग देती हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हर साल प्रतीकात्मक रूप से रावण का पुतला दहन करना क्या वास्तव में बुराई का अंत है? क्या दशहरे के ये आयोजन केवल रावण के पुतले तक सीमित रह गए हैं, या इनसे भक्त समाज को कोई वास्तविक लाभ और मोक्ष का मार्ग मिल सकता है? क्या यह पर्व केवल बाहरी बुराई के अंत का संदेश देता है, या हमें अपनी अंतरात्मा की बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से भी मुक्त करता है? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हम जानेंगे कि दशहरे के इन गूढ़ रहस्यों का वास्तविक अर्थ क्या है, और क्या यह पर्व हमें असली आध्यात्मिकता के करीब ला सकता है। सवाल नंबर 1, विजयदशमी पर नृत्य संगीत, भजन कीर्तन, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, रावण दहन और रामलीला जैसे भव्य कार्यक्रमों से क्या श्रद्धालुओं को कोई वास्तविक सांसारिक या आध्यात्मिक लाभ मिलता है, या ये आयोजन केवल परंपरा निभाने के लिए रह गए हैं? शास्त्रों के अनुसार इस पर्व की असली महत्ता क्या है? दशहरे का महोत्सव, जिसे हम रावण दहन के साथ मनाते हैं, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था, और साथ ही भगवान राम ने क्रूर और अधर्मी लंकाधिपति रावण का वध कर माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया था। इस प्रकार उस समय अन्याय पर विजय प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप ही विजयदशमी के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी पर होने वाले अनेकों भव्य आयोजन सदियों से हमारी परंपराओं का हिस्सा रहे हैं। ये कार्यक्रम श्रद्धालुओं को खुशी और उत्साह से भर देते हैं। गौरतलब है कि शास्त्रों में इन क्रियाओं का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जो यह दर्शाता हो कि ये भक्ति के वास्तविक मार्ग से जुड़े हुए हैं। हम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे मानते चले आ रहे हैं कि रावण का पुतला जलाने से हम समाज में बुराइयों का अंत कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या बुराइयां आज भी इतनी व्यापक होतीं? हर साल रावण जलाया जाता है, फिर भी क्या समाज में फैली असंख्य बुराइयां खत्म हुई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर साल रावण के पुतले जलाने से क्या हम सच में बुराई पर जीत पा रहे हैं, या बस एक पुरानी परंपरा निभा रहे हैं? 2018 में अमृतसर की दर्दनाक घटना और न जाने कितनी ही अन्य घटनाएं, जहां रावण दहन के दौरान दर्जनों लोग मारे गए, इस पर सवाल खड़ा करती है। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई।
असल में जालंधर से अमृतसर जा रही ट्रेन तेज रफ्तार से आई और बड़ी तादाद में लोगों को अपनी चपेट में लेते हुए गुजर गई। ट्रेन को वहां से गुजरने में महज 10 से 15 सेकंड लगे। ट्रेन के गुजरते ही पटरी के दोनों तरफ छत विच्छत शव दूर दूर तक बिखर गए और घायलों की चीख पुकार मच गई। यह हादसा अमृतसर के चौड़ा बाजार के पास हुआ। उस समय लोग पटरी के पास खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे। रावण दहन के दौरान पटाखों और आग की लपटों की वजह से लोग पीछे हटे और कुछ लोग पहले से ही पटरी पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे और इसी दौरान तेज गति से आई ट्रेन लोगों को रौंदते हुए निकल गई। यह हादसा अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास हुआ। घटना स्थल की हृदय विदारक तस्वीरें देखी नहीं जा सकती। ट्रेन के आसपास खून से लथपथ लाशें बिखरी हुई हैं। धुएं से पर्यावरण को नुकसान और हादसों का बढ़ता खतरा हमें क्या सिखाता है? शास्त्रों में कहीं भी इस तरह की हिंसात्मक परंपराओं का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि इसे शास्त्र विरुद्ध कहा गया है। यह सब केवल परंपराओं के नाम पर मनाए जा रहे हैं, जिनसे हमें कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि दशहरा मनाने का कोई शास्त्रीय आधार नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वास्तविक मोक्ष प्राप्ति और जीवन की समस्याओं का समाधान केवल शास्त्र सम्मत भक्ति विधि से ही संभव है, और यह विधि केवल वही तत्वदर्शी संत बता सकते हैं जिनका उल्लेख गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में किया गया है। तो फिर क्यों न हम उन रीतियों को अपनाएं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, और इस तरह के आयोजनों को छोड़कर वास्तविक भक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। यह समय है कि हम उन परंपराओं को सवालों के घेरे में लें जो सिर्फ दिखावा बनकर रह गई हैं। हमारे माननीय ग्रंथों में शास्त्र विरुद्ध भक्ति या मनमानी साधनाओं और परंपराओं को व्यर्थ बताया गया है। देखिए, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुर में जाएगा 24 मसला, इससे तेरे लिए करते और करते की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। सवाल नंबर 2, रावण जैसा प्रकांड विद्वान और शिव का अनन्य भक्त होने के बावजूद उसने सीता हरण जैसा गंभीर पाप क्यों किया जो अंततः उसके विनाश का कारण बना? रावण एक ऐसा साधक जिसे पवित्र शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता था, वास्तव में आस्था के साथ साथ अत्यधिक अहंकार से भी प्रेरित था। उसकी विद्वता ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह किसी भी सीमाओं को पार कर सकता है, और इसी अहंकार ने उसे सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया। लंकापति रावण ने शास्त्रों का अध्ययन अवश्य किया था, परंतु वह उनके गूढ़ रहस्यों से परिचित नहीं था। दर्शकों, सच्ची भक्ति केवल शास्त्रों का अध्ययन करने में नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने में होती है, क्योंकि लंका नरेश ने कभी भी सतगुरु का संग नहीं किया था। गौरतलब है कि दशानन के आध्यात्मिक गुरु तो थे, परंतु वे पूर्ण गुरु नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह पूर्ण गुरु के ज्ञान और सतभक्ति से वंचित रहा। साथ ही उसने शास्त्रों के विपरीत और पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन के बिना भक्ति की थी। इसके अतिरिक्त उसके अहंकारी और विकारी होने का तीसरा कारण यह था कि दशानन ने अपने गुरुओं के दिए गए मार्गदर्शन से तमोगुणी भगवान शिवजी को सर्वोच्च शक्ति मानकर उनकी आराधना की थी, जबकि पवित्र सदा ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण है कि भगवान शिवजी नाशवान हैं और वे भी किसी अन्य सर्वोच्च परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं कि महादेव अर्थात नीलकंठ की भक्ति के विषय में पवित्र गीता में क्या निर्देश दिए गए हैं। फिर श्रीमद् भगवद् गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, आसानी से हमारे ये हृदय में समाओगा ये ज्ञान। देखिए, श्रीमद् भगवद् गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय
7 और श्लोक नंबर 12 यहाँ से शुरू होता है। ये 12 है। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से, सतोगुण से सतीथि, रजोगुण से उत्पत्ति और तमोगुण से विनाश होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि काल को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी जीवों के खाने का। अब ये क्या कहता है, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वें श्लोक में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी तीनों गुणों में, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण शिव जी के ऊपर ही आसक्त है। इन तीनों गुणों से परे, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है। अब 14-15 में कमाल कर दिया है। गीता जी अध्याय नंबर 7 और 14 श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, केवल मुझको ही भजते हैं, वे इस माया को तरंती तर जाते हैं, यानी इनसे ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो इनकी भक्ति नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश की गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मेरी भक्ति करते हैं। अब यहाँ बताते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं जो मुझे भजते हैं, इनसे अच्छा लाभ मिलता है। अब 15वें में कमाल कर दिया गीता ज्ञानदाता ने, इस माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक जिनकी बुद्धि सेट होगी, इससे आगे कोई सुनने को तैयार नहीं है, इन्हीं से जो लाभ मिल रहा है उसी में ये आरूढ़ हैं। तो कहते हैं जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जो सीमित हैं, इन्हीं पर आसक्त हैं, जिनका ज्ञान इनके द्वारा हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो पुजारी हैं उनके विषय में कहा है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूड लोग मुझको नहीं भजते। अब फिर पढ़िए, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इनसे आगे किसी की भक्ति करना नहीं चाहते, इन्हीं की जो भक्ति करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूड लोग मुझको नहीं भजते। अपनात्मा, इस पवित्र सदग्रंथ में कितना निर्णायक ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद् गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 श्लोक में। अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि तीनों गुण रूपी यानी इस त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इन्हीं की पूजा में आसक्त है, इन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ में ये संतुष्ट है, किसी और की बात सुनकर भी प्रसन्न नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये तीनों गुणों के पुजारियों के विषय में गीता जी में लिखा है। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा है, मेरी भक्ति भी ना करते। अब जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की भक्ति की थी अरण्यकशिपु ने, राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, ऐसे ही तमगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, ऐसा जुल्म कर दिया, दूषित कर्म, अपनी ही माता को उठा ले गया, यानी भगवान शिव की पूजा करता था
ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये तीनों भाई हैं, बड़ा ब्रह्मा, बीच वाला विष्णु, छोटा शंकर। अब भगवान विष्णु की पत्नी माता हुई, क्योंकि उन जिसको वो इष्ट मान रहे थे शंकर भगवान को, उसका बड़ा भाई, और रावण पुजारी। ऐसे ही इस तमगुण शिव की पूजा की थी बसमागिरी ने, भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने, सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से, भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूं। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, के मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई, मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से, और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा, और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने आत्माओं विचार करना इन बातों पे, इससे नीच कर्म और के होगा। अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारणा है, और इसको इनको अमंत्रयामी कहें, ब्रह्मा विष्णु में इसको अमंत्रयामी कहा करते, इसे होया कर अंतर्यामी, और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब जो ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के, होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव जी डर के भाग लिए, भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ दिए, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, जख खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की क्या आवश्यकता थी? अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखे हमारे अंदर। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिवजी तो तेरे पास आएगा नहीं, उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास कड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंड हतनाथ नचा के, और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर, जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी, ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरिया। तो इस प्रकार कहा है, इन तीनों गुणों के उपासक है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। दर्शकों,
अभी आपने पवित्र गीता जी के अनुसार तीनों गुणों की भक्ति करने वाले साधकों के विषय में जाना। अब जानिए तीनों गुणों की वास्तविकता। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीन गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो, वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। एक देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक। ये कहाँ से प्रकाशित है, ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, तीसरा स्कंध प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें प्रश्न पर, तीसरे स्कंध में 11वां प्रश्न पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं। अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, अब संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव। अभी आपने जाना कि ब्रह्मा विष्णु व शिव जी ही तीन गुण हैं। अब देखिए ये तीनों देवता नाशवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहाँ से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल दो मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद,
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर दो प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन, चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तुमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसे सिद्ध हो। अब सुनिए आखिर रावण कैसे बना राक्षस। हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया, माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है, क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया, और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूं और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं, ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है, वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहाँ वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है, एक स्वंभू होता है।
स्वयंभू तो परमेश्वर कवि जन्म नहीं लेते, वह स्वयंभू है यानी स्वयं ही प्रकट है। और संभू का अर्थ होता है जो सुखदाई भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से ये प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरु जी ने बताया था, रावण ने सिर दड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहाँ से गर्दन भी चढ़ा दी, यहाँ से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और लड़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे कर्मदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोर ध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अवशेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों मंत्र होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली, सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली रावण के राज्य में, लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार होया करते थे, इतना धनी राजा हो गया। लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रह गया सारा उसका, वह सोने की लंका भी वहीं रहेगी, उन बंदर ठाए अंडे सोने की डलिया ने बगाव समुद्र में ठाठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्मा जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। अब तक हमने जाना कि पवित्र गीता के अनुसार तीनों गुणों की भक्ति पूर्णतः शास्त्र विरुद्ध है, तो आखिर कौन सी है वह शास्त्रानुकूल भक्ति और कौन है वे पूर्ण गुरु जिनके अभाव में शिव भक्त रावण राक्षस बना, जानने के लिए इस स्पेशल एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। सवाल नंबर 3, भक्त समाज आज भी इस रहस्य में उलझा हुआ है कि राम सेतु का निर्माण कैसे संभव हुआ, क्या यह केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहन आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है। राम सेतु के निर्माण को लेकर आज भी समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समुद्र पर पत्थर तैराए थे,
जबकि कुछ का कहना है कि पवन पुत्र हनुमान जी ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें तैराया था। इसके अलावा कुछ लोग नल नील की भक्ति के कारण समुद्र पर पुल के निर्माण की बात भी करते हैं, लेकिन असल में सच्चाई क्या है देखिए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कौन सा अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता, अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा, तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं। अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे, इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। शिवी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी और देसी वैद जितने भी वैद थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली। अब ऋषि महर्षियों ने, संतों ने ये बता दिया कि तुम्हारे ये प्रारब्ध में लिखा हुआ, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, इसको कोई नहीं मिटा सकता, नल और नील तुम्हें आजीवन भोगना पड़ेगा। वो महादुखी थे। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरा रोग ला इलाज है, असाध्य हो चुका है, तो उसकी स्थिति वो स्वयं ही जान सकता है। फिर भी आत्मा के अंदर एक विशेष कसक होती है, उसको परमात्मा का दिया हुआ एक विशेष ज्ञान होता है उसको आत्मा को, कि परमात्मा हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए इसको इतना जवाब मिलने के बाद भी ये प्रयत्नशील रहती है। इसी उद्देश्य से नल और नील कबीर परमेश्वर जी के सत्संग में चले गए। उस समय त्रेता युग में परमेश्वर कबीर देव जी मुनिंदर नाम से आए हुए थे, मुनिंदर ऋषि नाम से प्रकट थे, सहश्री रहते हैं परमात्मा। और मुनिंदर ऋषि जी की उन्होंने कहीं कई जगह से महिमा सुनी थी कि बड़े महापुरुष हैं, उनके आशीर्वाद से भयंकर रोग समाप्त हो जाते हैं, भाग्य बदल देते हैं वो प्रभु। नल नील को विश्वास नहीं रहा था कि ऐसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास हम जा चुके हैं, ऐसे ऐसे सिद्धों के पास जा चुके हैं, हमें कोई राहत मिली नहीं। फिर भी इत्फाक परमात्मा की रजा होती है, उनको सहज में कबीर परमेश्वर जी का ये सत्संग सुनने का अवसर मिला। ज्यों ही परमेश्वर के चरणों में उन्होंने नमस्कार किया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, दोनों के वो रोग ठीक हो गए, गति स्वस्थ हो गए।
बड़े अचंभित हुए, चरणों में पड़ के रोने लगे। हे परमात्मा, आप कहाँ छुपे थे? सारी कहानी बताई कि हमारे को सब ने ये जवाब दे दिया था कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है। हे परमेश्वर, आपने बहुत दया करी हम दुखी दिनों पर। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा ये तो एक कष्ट दूर हुआ है, आपके भाग्य में तो बहुत कष्ट हैं। असंग जन्मों से तुम जन्म और मर रहे हो, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप उपदेश लो हमारे से, अन्यथा और इससे भयंकर आपत्ति भी आप पर आ सकती है। अब नल नील ने कहा, भगवान हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरु, हमें उपदेश दे दीजिए। परमेश्वर ने उपदेश दे दिया और कहा, बेटा सत्संग में आते हैं साधु संत भक्त, कोई रोगी बीमार, क्योंकि कबीर परमेश्वर के पास भी दुखी प्राणी ज़्यादा आते थे, कोई लंगड़े लूले, कोई अंधे गूंगे, कोई वृद्ध बीमार, तो कहते थे भगवान के भाई इनकी सेवा किया करो, परमात्मा की आत्माएं हैं। तो नल और नील वृद्धों के, बीमारों के बर्तन कपड़े साफ करने के लिए सत्संग के दौरान, सत्संग के दिनों में जब वो वहाँ आकर भंडारा होता था, वहीं रुकते थे, दरिया के किनारे सत्संग हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, उनके बर्तन कपड़े ले जाते। पहले साबुन वगैरह होते नहीं थे, पहले कपड़े को बहुत देर तक जल में गीला करना पड़ता था और बर्तनों को भी ऐसे ही पहले पानी में भिगो दिया करते थे। तो दरिया के किनारे उन कपड़ों को वो दोनों कुछ पत्थर के नीचे दाब देते थे और जल में भिगो देते थे। ऐसे ही बर्तनों को पानी में डबो करके रख देते थे। वो सत्संग में सुने हुए चर्चाओं पर विचार करते थे, परमात्मा के द्वारा दिए गए वचनों पर विचार करते थे और फिर अपनी सतीथी पर भी वो प्रतिदिन जो है चिंतन करते थे, हमारी क्या बुरा हाल था, हमारा कोई जीवन नहीं था, नल नील आपस में बतलाते थे, परमात्मा आए हैं, जनता पता नहीं कब समझेगी, कहते हैं कोई मानता नहीं है, इस तरह की चर्चा वो किया करते थे। इतने में क्या होता कि कुछ तो कपड़े बह जाते पानी में जो वहाँ भिगो रखे थे, कोई बर्तन बह जाता था, उनको पता नहीं चलता, वो जितने भी शेष बचे होते उनको धो मांज कर ला कर रख देते, किसी का कपड़ा नहीं, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली नहीं, क्योंकि सब अपने अपने बर्तन साथ लेकर जाते थे। तो वो कहने लगे, भाई हमारे बर्तन इतने लेकर गए थे, तुम वापस कम लाए हो, अब हम गरीब, हम कहाँ जाएं, कोई कहता हमारे वस्त्र ऐसे थे, आप वापस पूरे नहीं लाए हो। अब वो ये कहते कि हम तो जितने ले गए थे उतने ही लाए हैं। नल नील ये कहते थे कि जितने हम लेकर गए थे हम तो सभी ले आए, वहाँ कोई नहीं रहा है, जो जल में बह जाते थे उनका ज्ञान नहीं होता था। तो भक्तजन कहने लगे, भैया आप हमारी सेवा मत करो, हम तो परेशान हो गए, अब हफ्ता 5-4 दिन रुकने हैं, अब कहाँ से कपड़े लाएं, कहाँ से बर्तन लाएं हम। लेकिन वो हाथ जोड़ कर कहते थे कि अब के हम बहुत सावधान होंगे, आप गुरुदेव को ना बताना, नहीं तो हमारी सेवा छीन ली जाएगी। और उनको ये डर था कि कहीं परमात्मा हमसे रुष्ट हो जाए और सेवा छीन ले, तो हम कहीं फिर से उसी प्रकार कष्ट ना आ जाए हमारे पर, उसी तरह दुखी ना हो जाए। तो उन्होंने कुछ दिन फिर नहीं उनको बताया, तो फिर भी वो दुखी होकर आखिर में परमात्मा से उन्होंने अर्ज करनी ही पड़ी। परमेश्वर मुनिंदर जी के सामने कहा कि गुरुवर, ये नल नील की इरादा तो है अच्छा कि हम ये सेवा करें, लेकिन भगवान ये हमारे वस्त्र ले जाते हैं, वहाँ देखने वालों ने बताया कि ये वहाँ बैठ कर के परमात्मा की चर्चा करने लग जाते हैं, कपड़े और बर्तन दरिया में बह जाते हैं, हमारी इतनी अर्ज है इनसे प्रार्थना, इनसे आदेश दे दो
ये हमारे वस्त्र और कपड़े ना ले जावा, हम अपने आप कर लेंगे जैसा हमसे बनेगा। इनका इरादा गलत नहीं प्रभु, ये ध्यान मस्त हो जाते हैं आपके वचनों को सुन सुन कर, गदगद होते हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। जब नल और नील को ये पता चला कि आज तुम्हारी शिकायत हो गई है और गुरुदेव कहीं तुम्हारी सेवा ना छीनने और नाराज ना हो जाए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु अवश्य हमसे भूल बनी होगी लेकिन हमारा इरादा ठीक है प्रभु, हम चाहते हैं सेवा करें। और परमात्मा के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हमारी सेवा ना छीनना परमेश्वर, हम बहुत ध्यान देंगे। वो शिकायतकर्ता कहते भगवान ये प्रत्येक बार ऐसा ही बोलते हैं और ये वहाँ जाकर के भूल जाते हैं भगवान की चर्चा में, ये ज़्यादा ही मस्त हो जाते हैं, इनके बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने देखा और कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा नहीं छीनते, खूब सेवा करो, आशीर्वाद दे दिया कि आज आपके हाथ से जल के अंदर कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, पत्थर भी क्यों ना हो। उस आशीर्वाद से, उसके बाद परमात्मा के आशीर्वाद से नल और नील के हाथों से छोड़ा गया पत्थर भी जल पर एज इट इज रुक जाता था, चाहे उसके ऊपर कोई खड़ा हो जाए, और तो कहना ही क्या, कपड़े थाली वो एज इट इज वहीं रहते थे जब तक वो स्वयं उठा नहीं लेते। तो उनकी समस्या हल हुई। इस चीज का पता था इस समुद्र देव को, उसने आकर रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो संत हैं, भक्त हैं, और उनके हाथों में ऐसी शक्ति है कि उनके द्वारा छोड़ा गया पत्थर मेरे ऊपर एज इट इज रुक जाएगा। अब नल और नील को बुलाया गया, अपुन आत्माओं ये जीव मार खाता है भक्ति के इस मार्ग में, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये विष का काम करते हैं। उसमें नल और नील की जो महिमा होनी थी उसको देखकर नल और नील बड़े प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समाए कि हमारे को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुकारा है। और कहा रामचंद्र जी ने कि भी क्या तुम्हारे हाथों से पत्थर तैर जाते हैं? दोनों ने कहा हाँ जी। कहा भी ठीक है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, ट्राई करो। उन्होंने उठाया पत्थर, जल पे रखा, वो डूब गया। नल ने रखा वो भी डूब गया, नील ने रखा वो भी डूब गया। अब समुद्र की तरफ श्री रामचंद्र जी ने देखा, शायद वो कहना चाह रहे हों कि समुद्र तो झूठ बोल रहा है, इनके हाथों में कोई शक्ति नहीं। अब समुद्र ने कहा, समुद्र ने कहा कि भगवान इनके हाथों में शक्ति थी लेकिन आज इन्होंने अवश्य कोई त्रुटि की है। तब समुद्र ने कहा कि नल नील आज तुमने क्या गलती कर दी। दोनों ही वो बहुत अचंभित थे कि आज क्या हो गया हमें। फिर उनको याद आया कि आज हमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। अब यहां मार खाता ये प्राणी, उन्होंने ये सोच लिया कि यदि हम अपने गुरुदेव से अर्ज करेंगे तो रामचंद्र जी और ये सेनानियों सोचेंगी इनके पास शक्ति नहीं, ये कहीं और से मांग कर लाए। इस अभिमानवश उन्होंने गुरु अपने मालिक को याद नहीं किया परमेश्वर को, और अपनी प्रभुता दिखानी चाहिए, वो उनके हाथों से वो पावर गई। अब समस्या ज्यों की तो, तब नल और नील ने परमात्मा को याद किया, मुनिंदर जी को याद किया, गुरुदेव अक्षमा करो हमसे कोई भूल बनी है, अक्षमा करो हमसे कोई भूल बनी है। और
श्री रामचंद्र जी पर तो दुख का पहाड़ टूटा हुआ था, उसने भी अर्ज की परम पिता से, परम परमेश्वर से। हम सभी आत्माएं उसी परमेश्वर की हैं, और पुण्यात्माओं कहते हैं जहां जन की महिमा सुनो तहां मैं गवन करंत, मुझे पुकारते हैं। पिछले संस्कारी कोई हंस होते हैं उनके लिए भी कहते हैं मैं तुरंत वहां पहुंच जाता हूं। मुनिंद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सामने आते हुए नजर आए, नल और नील का ध्यान उधर गया जिधर परमात्मा आ रहे थे, दृष्टि गई उधर, देखा कि गुरुदेव आगे, गुरुदेव आगे, वो आगे महाराज, वो आगे महाराज। सभी ने देखा एक टक सामने एक महापुरुष ऋषि आ रहे हैं। नल और नील ने दंडवत प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी ने भी चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान आज आपके शिष्यों से ये पत्थर नहीं तैरे, जल के ऊपर पत्थर नहीं तैरे। परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से ये तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके अंदर अभिमान आ गया, ये भूल गए भगवान को, ये स्वयंभू बनना चाहते थे। आज के बाद इनके हाथों में कोई पावर नहीं रहेगी। आप परमात्मा याद दिलाते हैं कि जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे तेरी ऐसे भक्ति नसाए। जैसे माता, गर्भवती माता पेट में बालक होता है वो बहुत चिंतित रहती है, रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो उदड़क जाती है कि कहीं मेरे बच्चे पर जोर तो नहीं आ गया, मेरा गर्भ नष्ट तो नहीं हो जाएगा। चलती है तब भी ऊंचे नीचे पर पैर रखकर बहुत ध्यान से चलती है, कहीं मेरा बच्चा, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो ऐसी सावधानी करने से माता अपने गर्भ को प्रफुल्लित करके एक लाल प्राप्त कर लेती है, बेटी या बेटा। तो यहां परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए और ठेस लगे तो छिन्न हुआ तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आप जिन्हें अपनी भक्ति को बचा के रखना है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये इसके शत्रु हैं, परमात्मा की मर्यादा से हट जाना तो भी हम भक्ति नष्ट कर लेते हैं। परमेश्वर कबीर जी से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भगवान ऐसे ऐसे कहानी सारी अपनी जो ना कहानी सुनाई कि मैं रामचंद्र हूँ दशरथ पुत्र और मुझे वनवास प्राप्त है। उस वनवास के कष्ट में एक और कष्ट हमें आ गया कि रावण, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी उठा ली, उसको कैद कर रखा है, उसको हम छुड़वाने के लिए बहुत प्रयत्न कर चुके हैं। हमने बहुत शांति दूत भेज कर भी प्रार्थना की है पर वो मानता नहीं, और हमने सेना लेकर जाना है, ये पुल बनाना था इस समुद्र के ऊपर। प्रभु आप अपने शिष्यों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो, मेरा ये कार्य सिद्ध हो। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं अभी इस पहाड़ के चारों तरफ, मुझे पता था तेरी आपत्ति का, इस पहाड़ के चारों तरफ अपनी छोटी से एक पहाड़ था, वहां से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर इस पहाड़ के चारों तरफ मैंने रेखा खींच दी है, अपनी सोटी थे डंडे थे, इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए हैं, फ्लोटिंग बना दिए हैं, इनको आशीर्वाद दे दिए, और इस पहाड़ से जितना तुम बना सकते हो पुल बना लो। एक्सपेरिमेंट के लिए हनुमान जी को भेजा, वहां लाया, वहां से पहाड़ पत्थर उठा के उसको पटक दिया, वहां पर वो कई टुकड़े हो गया।
उनको उठा करके फिर नल और नील में एक और कारीगरी थी, एक विशेष विशेषता थी, वो शिल्पकार भी थे। नल और नील ने उनको छोल कूट पीट के एक दूसरे में फंसाया था और वहाँ रखे गए। तब वो पत्थर तैरे थे, तब वो पुल बना था। अब हम सुना करते थे जैसे हनुमान जी क्या करते थे, हनुमान जी पत्थर वहां से क्योंकि 4-5 किलोमीटर से उठा के लाना था और पुल के ऊपर भी आगे चल चल के डालना था, लंबाई बहुत बढ़ती चली गई थी। हनुमान जी क्या करते थे, पत्थर पर राम लिख लेते थे, राम। और स्वयं भी अपना मंत्र जाप करते हुए चल पड़ते थे। अपने आत्मा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को एज ए राम नहीं पूजा करते थे, क्योंकि जिस समय सुग्रीव को हनुमान जी मिले थे उस समय वो पहले ही राम राम जप रहा था, तो वो उनका एक नित नियम था। कबीर साहब कहते हैं आप राम कहे ओरा राम कवावे, और जिस मुख राम ना उचरे ता मुख फिर कवावे। जैसे हम बोलते हैं सत साहिब तो सामने वाला भी कहेगा सत साहिब। सत साहिब का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। राम कहो साहिब कहो। अब पहले राम राम बोलते थे तो सामने वाला भी राम राम बोलता था। जैसे कोई कहता था चाचा राम राम तो वो 2-3-4 बार बोल जाता राम 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 भाई राम राम। तो ऐसे इस उद्देश्य से हनुमान जी लिख लेते थे राम, और जो भी वो मंत्र जाप करते थे सामने वाला भी कोई पढ़ता वो भी समझ जाता कि राम शब्द लिखा है, राम का अर्थ है राम राम। यानी अपने मंत्र को जाप करते रहो, भगवान को याद रखो, वो लिखने का उद्देश्य ये था। और कोई जो कहे कि हनुमान ने श्री राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, हनुमान जी वही थे श्री राम वही थे। अब पहले हम क्या सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बना दिया समुद्र पर। कभी हम सुनते थे कि नल नील ने पुल बना दिया। नल नील को एक ऐसी शक्ति थी उनके हाथों से पत्थर तैर जाया करते। फिर हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तैर गए। कोई सिर पैर नहीं था इन बातों का, ये लोक वेद था। यदि नल नील के हाथों में पावर थी और उसने तैर गए थे तो हनुमान जी ने राम नाम लिखने की क्या जरूरत पड़गी। फिर श्री रामचंद्र जी का क्या सहयोग रहा उसमें, पुल के बनाने में कौन सा आशीर्वाद रह गया उनका, जब वह तो आप याचना कर रहे थे समुद्र से। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखो। के धनी माने उस समर्थ भगवान का तो किधर जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया, हनुमान ने राम नाम लिख दिया पत्थर तिर गए, नल नील के हाथ में शक्ति थी पत्थर तिर गए, रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या एक दूसरे को तुम करे उसने ऐसे कर दिया, और जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं, धनी का कि तो नाम ना लेखा। अपरमात्मा कबीर जी बताते थे समझाया करते, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया नागफास, क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयाँ हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। वो नागफास एक ऐसा यंत्र था, उसमें से कहते हैं और कई हजार लाखों करोड़ों
नाग उत्पन्न हो गए, सांप, और उन सर्पों ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद समेत पूरी सेना को जकड़ दिया, जैसे ईंख बांध दिया करें। नो हाथ और चारों तरफ सांप लपट गए, उनका कत्ती नीचे तले के ऊपर तक ऐसे फण कर गया, हाथ नो के नो रह गए सबके, यानी पूरी सी बांध के खड़ी कर दी। अब कहते हैं उस समय गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ पक्षी को, और गरुड़ पक्षी ने आकर फिर वह सांप काटे, वह सर्प काट दिए सारे, तब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे तुम्हारे हृदय माथे की कहाँ गई, विवेकहीन हो गए तुम, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्ह रे नर प्राणियां, ये गरुड़ बड़ो के राम, इब तुम्हारे राम को भी जिसने बंधन मुक्त किया, जिसकी बंध छुड़वाई, तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा यू राम बड़ा हुआ। कहते समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम एक बात से ये मानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया अपनी शक्ति से, तुम्हारी बात बड़ी कर लेते हैं। यदि आप इसी आधार से इनको समृद्ध शक्ति मानते हो कि समुद्र के ऊपर से पुल बना लिया, और इस समुद्र को, सातों समुद्रों को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक घूट में, और जो श्री रामचंद्र जी के लिए पाड़ हो रहा था उसको समुद्र पुल बनाने मुश्किल हो रही थी उसको, तो इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि शक्तिशाली हुआ, श्री रामचंद्र हुआ जिसने सातों समुद्र पी लिए अगस्त ऋषि ने। फिर तुम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, उनमें से एक ये भी आधार पॉइंट बनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब परमात्मा कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत। हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत पाड़ उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, और तुम लोक वेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं पौराणिक, के शेष नाग ने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मंडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं। फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ तेरे तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ, जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया, और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग, तो कौन भगवान हुआ। सवाल नंबर 4, आदिराम अर्थात परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वह दिव्य शक्ति जो रावण की समझ से परे रही और जिन्होंने समुद्र पर पुल बनवाया। क्या यह सत्य है कि रावण अपनी विशालता और विद्या के बावजूद इस परम अक्षर ब्रह्म को पहचानने में असफल रहा? आखिर वास्तविकता क्या है? विजयदशमी पर श्रद्धालु भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन हमने प्रमाणों के आधार पर देखा कि श्री राम ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब जिस परम अक्षर ब्रह्म ने त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाया, उसकी वास्तविक पहचान और शक्ति को समझना बेहद आवश्यक है। इस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का सही मार्ग क्या है, और क्यों रावण जैसा विद्वान भी इसे समझ नहीं पाया? त्रेता युग के उन शिष्यों की भी चर्चा करनी होगी जिन्होंने उस परम अक्षर ब्रह्म की प्रमाणित भक्ति विधि का अनुसरण किया और सच्चे मोक्ष की प्राप्ति की। यह रहस्य शास्त्रों में छिपा है, और आज हमें यह जानना है कि सतभक्ति की वह विधि क्या थी जिसे न केवल रावण बल्कि इस युग के लोग भी अनदेखा करते आ रहे हैं। आइए जान लेते हैं उनके परम शिष्यों की संपूर्ण जानकारी। जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी
ये दो भगत किता है वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उस अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे और मस्तार रखा था। ये दो भगत कैसे पा गए, उनकी महिमा देख, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। नोबला जी मन ने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनते। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि इस दास तो होगी, सोनी बताऊं दे रहे थे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा चारों युग में आते, सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के दो शिष्य बने थे, वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद थे से वह स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सब ने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट दाता था राजा रावण के, वहां पर उन गीत ज्ञात सुनाने और उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकले चटकले सुना के, उसने बुंडी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को, परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात कराया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तो उसने बताया कि हमारे घर भगवान गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दू। फिर मंदोदरी खूब सुनती, बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया कर। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लिए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे, तब एक उसने कहा महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहाँ जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लो एक बार। ने बोला बेटी मैं ना जाऊँ, उसकी गरज पड़त यहाँ आ जाएगी, मैं वहाँ जाऊँ मनमानो उसका पति नाराज हो जा, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर। तो कर्मवती गई जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाने में बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी का समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, नो बोली चल मैं चलती हूँ, महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वह उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है ये आप रुक नहीं सकते, दूसरे को बताए बिना ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भृंग बना देता है बार बार सुना के, उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है किसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था क्योंकि वो तो दारू पीवे धड़ी पक्की रावण खा कर मास सो जा, उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए, बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्माओं उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा, बाकी ये बात से तो थारी उठ पटांग सी, कथा तो मेरा समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही, लेकिन 100 का 100 सत्य पुण्यात्मा। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका,
और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाठ भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी बक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्वे बीसा, ताको लंक देई बक्षीसा। बक्षीस में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तन राज चाहिए, क्यों ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मां लखी जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा, ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। वास्तविक सुख और पूर्ण मोक्ष प्रदान करने वाले पूर्ण परमात्मा आदि राम कबीर परमेश्वर है। पवित्र शास्त्रों में भी कहा गया है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अर्थात उस आदि राम पूर्ण ब्रह्म की जानकारी तो कोई बिरला संत ही बता सकता है। वर्तमान में वे बिरले महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने आदि राम कबीर परमेश्वर की जानकारी प्रमाणों के साथ सर्व समाज के समक्ष प्रस्तुत की है। आइए अब वेदों से जानते हैं। परमात्मा को पाना सबसे आसान कार्य है, सबसे आसान जॉब है, लेकिन परमात्मा पहचानना और जो साधना हम कर रहे हैं ये विश्वास होना कि ये सत्य है, ये कठिन है। और इसको बहुत आसानी से हम हल कर सकते हैं इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, और सदग्रंथ हमारे पास है। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि वो परमात्मा कैसी लीला किया करता है, वो कौन है, उसका वास्तविक नाम क्या है, और विशेषकर पवित्र हिंदू समाज, वैसे तो ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण, ये किसी मजहब विशेष के सदग्रंथ नहीं है, लेकिन अनजानपने में इनको हिंदुओं के नाम कर रखा है, क्योंकि इन सदग्रंथों की रचना उस समय हुई थी जिस समय कोई भी धर्म नहीं था। एक वैदिक धर्म बोलते हैं, यही धर्म था, मानव धर्म समझो, और पूरा विश्व एक ही तरह की साधनाएं किया करता था। लगभग 5500 वर्ष पहले इन सदग्रंथों की रचना महर्षि व्यास जी द्वारा हुई थी। फिर भी हम ये सोचकर चलें कि ये हिंदुओं के ही सदग्रंथ हैं, तो पवित्र हिंदू समाज को तो इसका गर्व है कि हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र गीता, पवित्र पुराण सत्य हैं। तो उन्हीं सदग्रंथों में जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है, और उसका आज तक भी हमें पता नहीं, जबकि हम जिनको गुरु मानते थे, महर्षि मानते थे, और वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता भी थे, विद्वान कहलाते थे, वो भी इन सदग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को समझ नहीं सके। गुणात्माओं, पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये परमात्मा का दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है। और रही बात पुराणों की या उपनिषदों की, ये किसी ऋषि विशेष की, देव विशेष की अपनी सोच, अपना अनुभव, लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान है। हम इनको भी मुख्य मानते रहे, इनको भी आधार मानकर पवित्र हिंदू समाज परमात्मा को मानता है, जानता है। तो आज वो सदग्रंथ हमारे समक्ष हैं, उनमें जो यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है वो हम तक नहीं पहुंचा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमारे जो गुरु थे वो टीचर ठीक नहीं थे, वो आध्यात्मिक गुरु ठीक नहीं थे, क्योंकि वो अपने सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, और वो आज तक परमात्मा को निराकार बता रहे हैं। और वेदों का भी उस साथ में रेफरेंस देते हैं कि वेदों में परमात्मा को निराकार बताया है, वेदों में परमात्मा को सैकड़ों स्थानों पर साकार बताया है और नर आकार बताया है। कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं,
और इन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है। इन चारों वेदों में जौन से वेद से मैं मिलूं, वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद तो स्वयं परमेश्वर ने आकर के अपनी अमृत वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उल्लेख किया। उसको ये वेद जानते नहीं, उन वेदों में वो ज्ञान इन चारों वेदों में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद इन चार वेदों में पूर्ण परमात्मा के पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। इनमें केवल ब्रह्म तक की साधना पांचों यज्ञ ओम नाम का जाप यहां तक लिखा है। ये समझ लिए कि ये मैट्रिक तक का सिलेबस है, दसवीं तक का सिलेबस वेदों में है। इससे आगे और बहुत सी क्लासेज हैं, वो ज्ञान वो सिलेबस सूक्ष्म वेद में है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, कबीर वाणी में। अब रामानंद जी को परमात्मा बता रहे हैं कि स्वामी जी देखिएगा वेदों में परमात्मा के कितने प्रमाण हैं कि वो साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ये 9 और 10 इकट्ठा ही है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, इनके फोन और फैक्स नंबर है। इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 इसमें क्या लिखा है, इन्हीं का अनुवाद है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, अब साकार परमात्मा के देखना ढेर सारे प्रमाण, अपने रूप को साकार हुआ भगवान सरल करता हुआ यानी हल्के तेज पुंज का बनाता है और वह कांति में परमात्मा। अब यहां इन्होंने कबीर को सर्वज्ञ लिख दिया है, यहां देखिए यह है कबीर अतः अत्यो कबीर अतो ये कबीर, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर। इन्होंने इसको अपसर्ग लगा दिया, इसको हम रे लगा के हलंत भी लगा सकते हैं अपसर्ग हटा करके तो भी कोई व्याकरण त्रुटि नहीं। हम इसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर देव कबीर साहब, जैसे ये कबीर अतो यहां कबीर अतो और यहां देखो कबीर देव, देव माने परमात्मा और कबीर देव, ये देखिएगा यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में ये स्पष्ट लिखा है कबीर देव, देव माने परमेश्वर और कबीर, हम कबीर देव, कबीर देव कहने लगे, कबीर देव कबीर साहब हम वह को वह बोलते हैं। एक थोड़ा सा उदाहरण यहां देना पड़ेगा तब आसानी से हमारे समझ में आओगे। आपको दिखाते हैं अभी, अब आपको इन्ही जो व्याकरण के जानने वाले माने जाते थे, संस्कृत के विद्वान समझे जाते थे, ये नकली महर्षि दानंद ने
इन वेदों में बठा बठा रखा अनुवाद करने का। ये दानंद जी का अनुवाद नहीं है जो आपको दास दिखा रहा था, नहीं तो ये इसका भी नाश कर देता। ये नाम दानंद का इसलिए लिख रखा है कि इसके नाम तो ये व्याख्या करते। ये नौवां और दसवां मंडल ऋग्वेद का दानंद जी का अनुवाद नहीं है। ये तो एक और एक आचार्य का अनुवाद है जो दानंद जी के ही सिद्धांत को महत्व देता रहा, लेकिन सच्चाई को वो छुपा नहीं सका। अब यहाँ कबीर देव को जैसे यजुर्वेद है उसके ऊपर रह लगा हुआ है, और कहीं पर केवल यजु भी लिखा हो प्रकरणवश, तो वहां भी विद्वान पुरुष को अंडरस्टूड होता है कि ये यजुर्वेद की जानकारी है। यजुर्वेद इज ए होली बुक, यजुर्वेद एक पवित्र पुस्तक है और उसके विषय में चर्चा कहीं लिखी गई है, तो अंडरस्टूड होता है। वहां यजु भी लिखा हो, यजुहु, यजु माने लगाकर दो अपसर्ग लगा रखे हो, तो उसको अनुवाद करते समय लिखना पड़ेगा यजुर्वेद, जैसा कि स्वामी दानंद ने किया हुआ। देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद का अपना अपने करकमलों से इसका अनुवाद है। ये अनुवाद करता स्वामी दानंद है, राइटर नहीं है वेदों का, राइटर तो वेद व्यास जी है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा इसके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, षट त्रिश अध्याय आरंभ। इसके प्रथम मंत्र में ही लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे, ये यजु शब्द लिखा है, इसके दो अपसर्ग लगा दी गई है। और यहां देखिएगा इनका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने, ये यजु अपसर्ग लग के यजु लिखा हुआ है, और इन्होंने फिर इसको अनुवाद करते समय यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जहां केवल कवि लिखा हो, कबीर लिखा हो, तो उसका अनुवाद करना पड़ेगा कबीर देव, क्योंकि उस परमेश्वर के बारे में, उस कबीर परमेश्वर के बारे में या यजुर्वेद के बारे में जानकारी है, तो वो कबीर के बारे में, कबीर देव के बारे में जानकारी है, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। इतनी सी बात है, इन वेदों को समझना ही आसान होगा। पुणात्माओं, हमारे लिए ये वेद पाठ हो रहे थे क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे, ये संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। अब परमात्मा ने दया करी है कि हमारे को वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, और दया करी परमात्मा ने एकादि पुण्यात्मा से इनका अनुवाद ठीक सा करवा दिया। ना तो दानंद ने तो यजुर्वेद उठा के देख लो, शर्म दर्द हो जाए, ऐसे अनरस कर दिए अर्थों के, उसको पढ़ नहीं सकता आदमी, ना तो इन वेदों का घर घर में प्रचार होता यदि इनका अनुवाद ठीक होता। अब फिर देखते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, आप पढ़ रहे हो मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को साकार हुआ भगवान, अपने रूप को सरल करता हुआ तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको बैठी, गरीबदास जी ने कहा है ब्रह्मवेदी में। वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं, यहां लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ भक्त को, अच्छी आत्मा को, वरिष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है, यानी साकार है, अपना उनका रूप लिखा है, उनका नाम लिखा है, और वो उस अच्छी आत्मा को आकर मिलता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का ही मंत्र 27 देखिएगा।
परमात्मा को प्राप्त होती है। जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, द्यूलोक कहते हैं वो तेजो में सवर ज्योति सतलोक, सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर देव जी विराजमान है। अब देखिएगा 82 का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अभी दिखाते हैं आप। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंत्र नंबर 1, इसमें कहा कि जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी रचना करने वाला परमात्मा प्रकाश रूप, वैसे अरुष माने साकार होता है, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजेव, राजेव माने राजा के समान, इन्हीं के शब्दों में राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर सबदायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, कितना स्पष्ट कर दिया, वो परमात्मा साकार है और वो पापों का हरण करने वाला है, पाप नाशक है, जो सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी रचना करने वाला, सारी सृष्टि का रचनहार परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों का हरण करने वाला है, राजा के समान देखने योग्य साकार है, दर्शनीय है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में चारों ओर सबदायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो अच्छी आत्मा है उसको, दृढ़ भक्त को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है उस परमात्मा का, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 2 अब हम पढ़ रहे हैं। हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप यानी यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से चलने वाले हो, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर आप तुरंत आ जाते हो, आप कबीर देव हैं। अब यहाँ स्पष्ट समझ लेना पुण्यात्माओं, इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब यहां देखिएगा, ये है कबीर वेदस्य, ये रह है ऊपर, ये कबीर वेदस्य, यहां कबीर शब्द है, इनका इस रह हटा दिया इन्होंने, जैसे सीधा ये लिख दिया है, जहां पर अभी आपको दिखा था जहां यजु भी लिखा है तो वो भी यजुर्वेद लिखना कंपलसरी होता है, तो यहाँ कवि ही लिखा है तो भी यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, बस इतनी सी बात है। शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो मन हे अमर परमात्मा आप हमको सुख दें, उत्पन्न करें। अच्छा आगे देखना, अब तीसरे में है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 3 में, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं और पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों में गति करते हुए चलकर आते हैं, गति करते हुए सर्वव्यापक नहीं,
आप है, आप स्वयं गतिशील होकर यानी चलकर विराजमान होते हैं। आप कैसे हैं? सबके तर्पक हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बड़े गतिशील पदार्थ के नियंता हैं, पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के केंद्र होकर सब पदार्थों में रक्षा को उत्पन्न करते। ये यहाँ विचल गए, यहाँ कोई और अर्थ बनेगा, लेकिन हम अपने उसको समझें कि वो परमात्मा स्वयं गतिशील होकर चलकर आता है और भक्तों को प्राप्त होते हैं, स्वयं लोक लोकांतरों में वहां से चलकर आते हैं। अब पुण्यात्माओं, वेदों में कितनी बार लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, और फिर भी हम अभी तक इसको निराकार कहते रहे। ये दोष पुण्यात्माओं का नहीं है, उन गुरुओं की नालाकी है जो इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यह स्पष्ट लिखा है, पर कबीर देव इन्हीं का अनुवाद पढ़िए, वह परमात्मा कबीर देव है, यहां लिखना चाहिए था, इन्होंने मेधावी लिखा है, वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए, जो भक्त हैं उनको तृप्त करने के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, और वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। सवाल नंबर 5, त्रेता युग का रावण भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन आज के समाज में कलयुगी रावण जैसे दहेज प्रथा, नशा, पाखंडवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता जैसी बुराइयां व्याप्त हैं। इन्हें जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है? कैसे हम अपने भीतर छिपे अहंकार और विकारों के रावण को पराजित कर सकते हैं? सत्य और असत्य के इस संघर्ष में वास्तविक विजय किस प्रकार हासिल की जा सकती है? आज का समाज त्रेता युग के रावण को तो हर साल प्रतीकात्मक रूप से जला देता है, लेकिन असल में जो कलयुगी रावण हमारे बीच मौजूद हैं, जैसे दहेज प्रथा, नशा, पाखंडवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता के रूप में वे दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होते जा रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि बाहरी प्रतीकों से इन बुराइयों का खात्मा संभव नहीं है, क्योंकि असल रावण हमारे मन में बसे हुए हैं और उन्हें पराजित करने के लिए हमें अपनी सोच और आत्मा को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आए कैसे? पवित्र गीता और पवित्र वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनमानी साधनाओं और परंपराओं से कोई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, और न ही इनसे समाज की बुराइयों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड और परंपराएं समाज में बुराइयों को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ावा दे रही हैं। सच्ची भक्ति और ज्ञान से ही व्यक्ति अपने भीतर छिपे विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को समाप्त कर सकता है और समाज को शुद्ध बना सकता है। यह तभी संभव है जब हम उस तत्वदर्शी संत की शरण लें जो शास्त्रों के अनुसार सही मार्गदर्शन दे। केवल वही संत हमें सही साधना सिखा सकता है जिससे वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति और समाज की बुराइयों का खात्मा संभव हो सके। दशहरे का असली अर्थ भी यही है, असत्य पर सत्य की जीत। लेकिन यह जीत केवल बाहरी रावण का पुतला जलाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे रावण को खत्म करने से संभव होगी। समाज ने खुद ही दहेज जैसी कुप्रथा को जन्म दिया है, जिससे भ्रूण हत्या और अन्य सामाजिक बुराइयां भी फैल गई हैं। हर पिता अपनी बेटी के विवाह को बोझ समझता है और दहेज के सौदे के साथ उसकी शादी की जाती है, जो बेहद निंदनीय है। दुख की बात यह है कि यह कुप्रथा केवल अशिक्षित लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें लिप्त हैं। दहेज के साथ साथ दिखावे, बैंड बाजे और अन्य फिजूल खर्चों ने भी इस समस्या को और बढ़ाया है। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज को समाज के लिए अभिशाप बताया है। दहेज के विरोध में पहले भी कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने इतने सरल और साधारण तरीके से विवाह की परंपरा को नहीं अपनाया था। सरकार ने दहेज निषेध अधिनियम लागू किया, लेकिन फिर भी चोरी छिपे या खुलेआम दहेज का आदान प्रदान होता रहा।
जिस बुराई को सरकार भी रोकने में असफल रही, उसे संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान ने जड़ से खत्म कर दिखाया है। उनके तत्वज्ञान से प्रेरित होकर लोग अब बिना दहेज और दिखावे के सादगीपूर्ण विवाह कर रहे हैं, जो समाज के लिए एक नई दिशा का प्रतीक है। समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों में दूसरी बड़ी बुराई है नशा, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर देती है। चाहे शराब हो, तंबाकू, ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थ, ये सभी इंसान की चेतना और सोचने समझने की क्षमता को कुंठित करते हैं। नशा सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि इससे पूरे परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचता है। संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान में बताया गया है कि नशा एक विनाशकारी आदत है, जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उनके सत्संगों में आने वाले लाखों लोग नशे से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी दूषित करता है। पवित्र शास्त्रों के अनुसार नशा करना शास्त्र विरुद्ध है, और इस आदत का त्याग करना ही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में पहला कदम है। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में लाखों लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। जैसे दहेज प्रथा के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने सरल और प्रभावी उपाय बताए, वैसे ही नशा मुक्ति के लिए भी उन्होंने वास्तविक साधना और सच्चे मार्ग की आवश्यकता पर जोर दिया है। इतना ही नहीं, पाखंडवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता का समूल नाश केवल तत्वदर्शी संत ही कर सकते हैं। अगर बात की जाए पूर्ण संत की वास्तविकता को लेकर, तो भक्त समाज आज पूर्णतः भ्रमित है। इसका प्रमुख कारण है धर्म गुरुओं की निरंतर बढ़ती संख्या, जो समाज को शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि बताकर तेजी से अंधकार की ओर धकेल रही है। तो ऐसे में भक्त समाज पूर्ण संत की पहचान कैसे करे, जानने के लिए देखिए। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा, ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम। देखिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी पंद्रहवा अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध: शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, अध: माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अध: माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं, ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में दो बार अध: है, अध: अध: इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अध: माने नीचे, अध: माने नीचे, अध: माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध: माने नीचे, अध: माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अध: शाखम नीचे को शाखा वाला,
अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, इसके जो पत्ते आदि जो है, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सचिदानंद गर्भ ब्रह्म समझो, ये जड़े तो, और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष, ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सचिदानंद गण ब्रह्म कहो, ये जड़े हैं, जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष का है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सचिदानंद गणब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सर पुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात्र रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है पूर्ण परमात्मा, तो गुप्त है जमीन में, जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सर पुरुष वह की डार, ये मोटी डार, सर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है और पात्र संसार। तो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है, गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है, उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्य शाख नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है।
और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो मूल सहित तत्व से जानता है, सवेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं, विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, और श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री रजगुण ब्रह्मा श्री सतगुण विष्णु श्री तमगुण शिवजी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन तीन लोकों पर है, पृथ्वी लोक, नीचे एक पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है, ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यू बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार रूप संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा यह है अध ऊर्धम प्रसन्नता, तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो, इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर सर्वतरनी, नीचे और ऊपर फैली हुई है, और मनुष्य लोक में यहां पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है, मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई। यहाँ एक शब्द आया है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही तीन देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहां से छपी है, यहां से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं, इसके सामने आ जाते हैं। यहां रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। यही तीन देवता हैं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और यही तीन देवता कहो चाहे इनको तीन गुण कहो, वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर, और प्रमाण देते हैं। एक देखिएगा
ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम खेमरा श्रीकृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, तीसरा स्कंध प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें प्रश्न पर, तीसरे स्कंध में 11वां प्रश्न पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं, क्यों युक्त किए हैं? अब यहां हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर। देख 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है, और छंदासी यस्य प्रणानी उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं, यह तम वेद जो उसको जानता है सह वेदवित, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अध्य माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं, और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं, ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं, ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे रूप पर फैली हुई सभी लोकों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कशन में गीता जी के ज्ञान की चर्चा में इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है इतना ही काफी है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है अमर स्थल अमर स्थान परमात्मा का, जैसे ऊपर को जो जड़ समझो जहां से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं सतलोक अलखलोक अगम और अकैलोक,
वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहां से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहां से ही सबकी रचना हुई है। तो वो तो अविनाशी है, सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो तो समझो दृढ़ है, अविनाशी है। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ है वो तो अविनाशी है। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं, उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन मान दृढ़ असंग शस्त्रेण का अर्थ है, या तत्व रूपी तत्व तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके और इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब चौथे पर आ गए, यहां इसका अनुवाद है चौथे, उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर के मन परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में ये स्पष्ट हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। तो दर्शकों, वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो न केवल सामाजिक सुधार कर रहे हैं बल्कि पाखंडवाद को भी जड़ से मिटाकर समाज को पवित्र शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भक्ति देकर कृतार्थ कर रहे हैं। आइए इस दशहरे हम रावण के प्रतीकात्मक अर्थात दिखावे के पुतले नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने और सच्ची भक्ति विधि की दिशा में कदम बढ़ाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हैं झज्जर हरियाणा के जयवीर सिंह जी, हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। जयवीर सिंह जी ने 10 साल गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और इनका परिवार पूरी तरह से आर्य समाज से जुड़ा था, लेकिन उनके जीवन की दिशा तब बदल गई जब इनके मित्र महेंद्र जी ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के भक्ति मार्ग के बारे में बताया और समझाया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और इसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। इनकी नशे की लत छूट गई और आज उनकी सभी शारीरिक समस्याएं भी समाप्त हो गईं। इनके बच्चे अब सरकारी नौकरी में हैं और जयवीर सिंह जी का कहना है कि यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा का फल है। आपको यह भी बता दें कि जयवीर जी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब स्वयं सुनिए जयवीर सिंह जी की यह अद्भुत जीवन परिवर्तन की कहानी उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जयवीर सिंह जी।
सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा, इंडिया। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ अभी 1.5 वर्ष पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल महाराजियों से 1994 के अंदर उपदेश लिया था संत रामपाल महाराजियों से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या कोई आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं 10 वर्ष गुरुकुल में पढ़ा हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। हमारा सारा परिवार, हमारे पिताजी और भाई बहन सारा परिवार आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और मैं भी उसी उन्हीं के संपर्क में रहकर और आर्य समाज के द्वारा बताए गए मार्ग से ही अपनी भक्ति और समाज सुधार की बातें करते थे। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल महाराज की शरण में, संत रामपाल महाराज जी जब जेई की नौकरी करते थे रोहतक के अंदर, तो हमारे एक साथी थे, उनके छोटे भाई महेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ ड्यूटी करते थे पुलिस में। तो वो पहले तो महेंद्र जी हनुमान जी की पूजा करते थे और फिर एक दिन बोले वो मेरे को, बोला भाई कबीर साहब सबसे बड़े भगवान हैं। मैं बोला भाई कल तक तो तुम हनुमान जी को बड़ा बता रहे थे, आज कबीर साहब को बड़ा बताने लगे, ये क्या चक्कर है? मैंने उनको समझाया कि आर्य समाज अच्छा समाज है और उसमें लिखा है कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, और जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। तो वो थोड़े असमंजस में पड़ जाते थे, तो वो कहते थे कि हमारे भाई साहब आएंगे जय साहब, संत रामपाल महाराज जी को उस टाइम जय साहब कहते थे, तो क्योंकि वो नाम दीक्षा संत रामपाल महाराज उन दोनों नहीं देते थे, बड़े महाराज जी थे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, उन्हीं से नाम दीक्षा दिलवाते थे। तो संत रामपाल महाराज जी से शरण माने के बाद उन्होंने कबीर साहब के मार्ग को हमारे को समझाया, छुटाणी धाम भी लेके गए, तो हमारा समझ में आया कि ये भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। तो हमने संत रामपाल महाराज जी से नाम उपदेश लिया और उनकी शरण में आए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, जिस दिन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होते हुए हमें थोड़ी थोड़ी लत पड़ गई थी नशे की, शराब वगैरह एक आध बार कभी कभी सेवन कर लेते थे बार त्यौहार को, एक तो वो मेरी बिल्कुल छूट गई, और कभी भी किसी भी प्रकार का जब से 94 में संत रामपाल महाराजियों से हम जुड़े, उसके बाद कभी भी शारीरिक भाई किसी प्रकार की भी कठिनाई कभी महसूस होने नहीं दी परमात्मा ने, और अच्छे से सारा काम होता रहा। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा सरकार में, छोटी लड़की है वो सुपरवाइज़र है, लड़का है वो एग्रीकल्चर में है, तीनों सरकारी जॉब में हैं। ये सिर्फ संत रामपाल महाराजियों की ही विशेष दया है कि एक पुलिस वाले के बच्चे जो पुलिस सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, अगर हम संत रामपाल महाराज जी की शरण में कबीर साहब के बताए हुए भक्ति मार्ग पर नहीं चलते तो शायद आज हम कहीं और ही होते और बहुत पीछे रह जाते। अब हमें विश्वास भी है कि हम सही मार्ग पर और सही चल रहे हैं, और संत रामपाल महाराजियों के साथ रहते हुए मेरे को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि सन 2006 के अंदर मिला था। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसा कि आपने बताया आप सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, आप संत रामपाल जी महाराज से लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं और आर्य समाजी भी रहे हैं, तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पे और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणी करते हैं, सर इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? वो विवादित टिप्पणी नहीं करते। संत रामपाल महाराज जी ये कहते हैं कि भाई जो वेद, स्वामी दयानंद जी भी खुद मानते हैं कि भाई जो वेद में लिखा है वो सत्य है, तो संत रामपाल महाराज जी ने वेदों से और गीता से सत्यार्थ प्रकाश को मिलाया है, सिर्फ इतना ही वो है अलग है कि उन्होंने परमात्मा को निराकार लिख दिया, प्रकाश रूप लिख दिया, सर्वव्यापक लिख दिया स्वामी जी ने, और कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है, हमारे वेद और गीता कहते हैं और उनके मंत्र बता दिए। तो ये आर्य समाज के हमारे कुछ भाई बातें तो सुनते नहीं, जो अब न तो इन्होंने वेद पढ़े न इन्होंने गीता पढ़ी, स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया और उस पर विश्वास करते हैं कि जो स्वामी जी ने लिखा है वो सत्य है, लेकिन स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में पहले लिख दिया था और डेढ़ वेद का ट्रांसलेशन बाद में किया है। तो संत रामपाल महाराज जी ने ये वेद तो 2000
2002 में और 2003 के बाद इनको पढ़ा और उस ज्ञान को समाज के अंदर लाए कि भाई वेदों में और गीता में परमात्मा निराकार नहीं है, सह शरीर है, मनुष्यवत है, राजा के समान दर्शनीय है, हम उसको देख सकते हैं और वो अपने स्थान पर विराजमान भी है, अपने आसन पर सतलोक सचखंड के अंदर। सर इतना ही मनमुटाव था, उसको थोड़ा हा समझदार लोगों ने समझना चाहिए था भाई ये संत हैं और सत भक्ति बता रहे हैं, कोई बुराई नहीं बता रहे। सर आप हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज पे आरोप लगते रहते हैं और संत रामपाल जी महाराज विवादों में रहते हैं, सर क्या कारण है? देखो कोई भी संत अगर सच्चाई बोलेगा तो उस पर विवादों की टिप्पणी होती है। कबीर साहब भी सच बोलते थे, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया हमारे समाज ने, गरीबदास महाराज जी भी ऐसे ही सच्चाई बोलते थे, उनको भी ऐसे ही व्यवहार किया, नानक साहब को भी बाबर की जेल में 2 वर्ष रहना पड़ा था, उन्होंने भी सच्चाई बोली थी, ईसा मसीह को भी हमारे लोगों ने क्रिस कर दिया था और आज 80% विश्व की जनता उनको मानती है ईसाई धर्म को। तो जब संत आते हैं तो तब तो हम उनका उनकी बुराई करते हैं, श्री कृष्ण जी आए तब उनकी हम बुराई करते थे, श्री रामचंद्र जी आए जब उनकी हम बुराई करते थे, लेकिन जब वो शरीर छोड़ के चला गए तब उनको हमने भगवान माना, अब उनकी पूजा करते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी अब शरीर में हैं, इनका हमने लाभ उठाना चाहिए, ये सत भक्ति बता रहे हैं, इनकी पुस्तकें पढ़ो, इनके सत्संगों में चैनल आते हैं, विभिन्न चैनलों में वो सत्संग सुनो और अपना आत्म कल्याण कराओ, इससे समाज का सुधार भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। और रही सरकार की बात, सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अपना नियम बना रखा है, संत रामपाल महाराज जी दहेज रहित बहुत सारी शादियाँ करा चुके हैं जिनमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो सही मायने में बगैर पैसे खर्चे समाज सुधार का काम संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। बहुत सारे परिवारों के नशे की लत पड़ी हुई थी वो छुड़वा दी, हुक्का बीड़ी शराब मांस मीट अंडा सभी छुड़वाते हैं, सभी तरह के नशा मुक्त एक समाज तैयार बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे संत की सत्संग सुनने में कोई बुराई नहीं है और हमने सुनना चाहिए। सर कुछ दर्शक कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी तो उन्हें अपनी पारंपरिक पूजाएं छोड़नी पड़ेगी, क्या इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई है? जो सच्चाई उसमें इतनी है कि जो वेदों में और गीता में जो भक्ति लिखी है हमने वही करनी चाहिए और उसी से हमारा कल्याण होगा। हमने जानबूझकर छोटी मोटी किसी ने बहका दिए, परमात्मा के भक्ति मार्ग को मिसगाइड कर दिया कुछ लोगों ने, अपने पेट भरने के लिए पेट भरने का साधन बना लिया भगवान की भक्ति को, और जो मिसगाइड होकर वो भक्ति हम कर रहे हैं उसको उस बुराई को छुटवाते हैं महाराज जी। किसी देवी देवताओं की जो हमने मनमुखी साधनाएँ बना रखी हैं उनको छुटवाते हैं, वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार जो और संत कबीर साहिब के अनुसार पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति है वो करवाते हैं, वो ठीक है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल महाराज जी के विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं और उन सत्संगों के नीचे एक पट्टी चलती रहती है, उस पट्टी पर मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं, उन मोबाइल नंबरों से हम संपर्क कर कर अपने क्षेत्र के जो भी नामदान केंद्र परमात्मा ने खोल रखे हैं संत रामपाल महाराज जी ने पूरे देश में जगह जगह देश विदेश में, तो उन नंबरों पर फ़ोन करके और हम अपने नज़दीकी नामदान केंद्र सेंटर का पता करके वहाँ से नाम ले सकते हैं। सर जो दर्शक श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भाई हैं, ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको किसी के बहकावे में आकर या कोई अपनी मान बढ़ाई समझ के कि संत रामपाल महाराज तो संस्कृत नहीं जानते, कल तक जेई की नौकरी करते थे वो संत कहाँ से हो गए, अपने अनमोल जीवन को खराब नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुनो समझो, ये आत्म कल्याण का मार्ग है और समाज सुधार का भी मार्ग है, इसमें दोनों काम होंगे, समाज सुधार होगा और आत्म कल्याण भी होगा। सभी समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके सत्संग सुनो और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा और आप आत्म कल्याण कराओ, अपने परिवारों को सुखी बनाओ, अपने बच्चों को सदमार्ग पर लगाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।